सो है गाइस, दिस जीतू एंड यू वाचिंग फाइमेटिक यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बहुत दिनों बाद आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो का टॉपिक है, आप अपना पैन कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना पैन कार्ड, चाहे आपका न्यू पैन कार्ड आपने बनवाया हो या आपका बहुत पुराना पैन कार्ड हो, कोई भी पैन कार्ड हो, अभी आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के। चार्ज देना होगा, लेकिन वो सिर्फ ओल्ड, जिनका बहुत टाइम पुराना बना हुआ है, खो गया है, जब वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिर्फ उनको 8 रुपया 26 पैसे का चार्ज देना होगा, जिसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। अदर किसी को कोई चार्ज देना नहीं है। मान लीजिए आपने नया ही पैन कार्ड बनाया है और आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो भी आपको कोई चार्ज नहीं देना है। और दोस्तों, आपका पैन कार्ड जो है सीधा डाउनलोड होकर आपको मेल पर मिलेगा, एंड आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप अपनी गैलरी में, या आप शेयर कर सकते हो किसी भी अपने ड्राइव पर, चाहे आपका गूगल ड्राइव हो, चाहे कोई भी ड्राइव हो जहां आप शेयर करना चाहें, व्हाट्सएप, फेसबुक, मेल, जीमेल, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं डायरेक्टली। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, वीडियो में बने रहिए। तो मान लीजिए पैन कार्ड, जैसे कि आप देखते हैं कि कई वेबसाइटों से बनते हैं, जैसे कि आपका इनकम टैक्स की ई फिल करके आती है, उससे बनता है, या NDLS करके बना वेबसाइट होती है, उससे बनाया। तो सभी से आपको बनाऊंगा, बारी बारी से बताऊंगा आपको कैसे कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो मैं लाते रहता हूं। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं NSDL के बारे में। दोस्तों, ये आपको कैसे जानना है कि आपका पैन कार्ड किस वेबसाइट से बना हुआ, तो उसके आप बैक साइड में देखेंगे। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाया था, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इस तरीके से आपको NSDL लिखा होगा। अगर आपका किसी अदर से है तो वही लिखा होगा, और इन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इस वेबसाइट पर आ सकते हो। सबसे पहले आपको देखिए, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना होगा। यहाँ पर देखिए, दो ऑप्शन रहते हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर और पैन नंबर, तो बाकी देख लीजिए आप। उसके बाद पैन नंबर डालने के बाद पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड डालना जरूरी है, मंथ, ईयर, और बाकी ये आपको टिक करना, GST तो डाल सकते हैं, नहीं तो क्या फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के बाद कुछ डिटेल्स होगी, जैसे कि आपकी डिटेल्स, यहाँ पर सारी आदमी का नंबर, आपका जो भी सारी आदमी कोड, तो यहाँ पर आपको OTP वेरीफिकेशन नंबर, ईमेल नंबर, और जो हमारे बुक, तो आप चाहें जिससे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं ईमेल से करूँगा। और इसके बाद यहाँ से आपको टिक करना, इसको कंफर्म करके क्लिक कर देंगे, तो आपका OTP जो है आपको मेल पर, अगर आप मोबाइल पर करेंगे तो मोबाइल नंबर पर जाएगा, जैसे मैंने मेल पर किया तो मेरा मेल पर गया है। तो चलिए मैं एक बार चल के चेक कर लेता हूँ मेरा मेल पर OTP आया है कि नहीं आया है। अगर आप मोबाइल से करते हो तो आपके मोबाइल पर OTP आ जाएगा, ठीक है, और दोनों पर करते हैं तो दोनों पर ही आ जाएगा। जैसे कि मैं मेल पर आया हूँ और अपनी मेल आईडी ओपन करता हूँ, ये वाली, ठीक है। अब देखिए एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए देखिए यहाँ पर NSDL से यहाँ पर मेरे पास मेल आ गया है। मेल में देखिए OTP आपको दे रखा, ये रखा, तो इसको मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने OTP फिल कर दिया, फिल करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो OTP है वो वेरीफाई होगा। वेरीफाई होते ही देखिए यहाँ पर आपको सामने आ गया है, कंटिन्यू विद पेड ई पेन डाउनलोड, जो भी फैसिलिटीज़ है, ठीक है। तो ये पेड है, पेड इसलिए क्योंकि मेरा पैन कार्ड बहुत पुराना है, तो यहाँ पर मुझे पेमेंट करना होगा। और अगर आपने न्यू अप्लाई किया है NSDL से तो आपको फ्री में मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं पेड कर रहा हूँ, तो पेड में आपको कोई ज़्यादा चार्ज नहीं, 8 रुपये 26 पैसे का चार्ज लगता है। और अगर आप न्यू हो तो न्यू आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फ्री में, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखें, आप जिससे भी चाहो कर सकते हो, ऑनलाइन या फिर आप पेटीएम वगैरह के थ्रू करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैं ऑनलाइन वाला चूज़ करता हूँ, जिसमें आपको UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर 26 रुपये चार्ज दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर आपको एग्री पर क्लिक करना होगा नीचे, और एग्री करते ही आप यहाँ से प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी चार्जेस वगैरह और ट्रांजेक्शन ID वगैरह दिखा रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए 8 रुपये 26 पैसे पे करने हैं, तो पे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे तो आप पेमेंट पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्ड नंबर डाल के कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, QR कोड, UPI, वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी चाहो। जैसे कि आपका भीम दे रखा है, और यहाँ पर देखिए भीम UPI QR कोड, जिससे चाहो आप कर सकते हो। तो आई थिंक मैं QR कोड से करूँगा, ठीक है। तो QR कोड से मुझे लग रहा है कि आसान रहेगा, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे QR कोड सेलेक्ट करके। आप UPI से करना चाहें UPI से कर सकते हैं, जिससे भी चाहे कर सकते हैं। जैसे देखिए QR कोड से किया, यहाँ पर QR कोड को टैप करना होगा, टच करना होगा। जैसे कि देखिए टच करते ही ओपन होकर खुल के आ गया। अब इसका मैं लेता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको हम कर देंगे पेटीएम से इसको पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो मैंने जैसे कि अभी देख सकते हैं QR कोड यहाँ पर खुला हुआ है। बहुत ही आसान तरीका है, आप किसी से भी कर सकते हो, वैसे पेमेंट आपके ऊपर है, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसका लेता हूँ स्क्रीनशॉट,
स्क्रीनशॉट हो गया है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद मैं चलता हूँ यहाँ से अपना पेमेंट कर देता हूँ इसको। जैसे कि मैं देख रहा हूँ पेटीएम पर 8 रुपये 26 इसको डालते ही अपने आप अमाउंट आ गया और यहाँ से आप पिन डाल के प्रोसीड कर देंगे तो आपको यहाँ से पेमेंट हो जाएगा। और दोस्तों पेमेंट होने के बाद सिंपल से आपको उसी पेज पर वापस जाना है, ना कि कुछ बैक करना है, ठीक है। और आपको यहाँ आकर थोड़ी देर वेट करना होगा। यहाँ पर देखिए लिखा आ गया है पेमेंट प्रोसेसिंग में पहुँच गया है, यानी कि यहाँ पर 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा आपका। आपको रिफ्रेश नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है वेटिंग फॉर रेस्पॉन्स फॉर बैंक, जो भी आपकी बिल डेस्क जो भी बैंक थी उससे कंफर्मेशन के लिए 1 मिनट का टाइम लेता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर टाइम दे रहा है और आपको रिफ्रेश बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। मैं को बताऊँ देखो बैक भी नहीं करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वेट करना है सिर्फ, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं भी अभी वेट ही कर रहा हूँ। तो देखते हैं आप यहाँ पर देखिए अभी हमारा टाइम अभी तक हुआ नहीं है, हो जा भाई। जैसे कि आप देख सकते हैं रिफ्रेश हुआ और हाँ हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई हैं। अब नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे चलना होगा जहाँ आपका डाउनलोड करने के लिए पैन कार्ड देगा। तो देखिए जनरेट एंड प्रिंट आपकी रिसिप्ट जो है, जो आपको आपने पेमेंट किया उसकी एक रिसिप्ट जहाँ जनरेट हुई है उसको प्रिंट करने के लिए बोल रहा है। और यहीं आपको आपके पैन कार्ड को डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिलेगा। जैसे कि देखिए पेमेंट की रिसिप्ट यहाँ पर आ गई है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड PDF पे क्लिक करके। और देखिए यहाँ पर देखिए गाइस, आप देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले आपको पैन कार्ड डाउनलोड करने के बारे में बता देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ से रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। यहाँ से देखिए आपको पहले पैन कार्ड डाउनलोड करना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे डाउनलोड ePen। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, देखिए डाउनलोड ePen PDF और दूसरा है XML। XML क्या होता है, जैसे ब्राउजर में ओपन होने वाले इसमें कोड टेक्स्ट वगैरह रहते हैं कुछ, यानी कि बहुत बड़ी कोडिंग रहती है। तो सबसे पहले हम PDF को डाउनलोड कर लेते हैं। तो PDF में क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारे पास देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। होते ही देखिए ऑप्शन आ गए ओपन करने के, ओपन कर लेंगे आप जिससे भी चाहो ओपन कर सकते हो। मैं PDF रीडर से ओपन करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक मेन चीज़ रहेगी कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगी। इसमें आपका पासवर्ड रहेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ बिना किसी स्पेस के, बिना किसी डैश के। जैसे आपकी अगर आपकी 1 जनवरी 2098 है तो आपको डालना है 01011998, जैसे कि मेरी है तो मैं डाल देता हूँ। और डालने के बाद ऐसे ओपन करेंगे, देखिए ओपन होकर आ गया है। आपको फॉर्मेट रखना है पासवर्ड का वही जो है, ठीक है। तो देख सकते हैं PDF बकायदा पूरा स्लिप के साथ में आ गया है। तो इसको आप शेयर करना चाहें जहाँ भी शेयर कर सकते हैं, या फिर आप अपनी ड्राइव वगैरह में सेव करना चाहें तो आप वो भी यहाँ ड्राइव पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। तो मैं जैसे कि सेव कर ले रहा हूँ इसको, या प्रिंट करना चाहें प्रिंट भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो मैं इसको अभी अपनी ड्राइव में सेव कर देता हूँ, मुझे आगे काम आएगा इसका। और ये आपको मेल पर भी आ जाएगी, ऐसा नहीं कि आपको मेल नहीं आएगा। तो चलिए मैं दूसरा आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ जो कि आपको XML में आ रहा है कोड। तो देखिए वो डाउनलोड हो गया, क्लिक करते हैं यहाँ से ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए आपको इसकी जो आपका जो होता है ओपन करने के लिए आपको एप्लीकेशन चाहिए होता है, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास है। तो इसमें पासवर्ड वही सेम डालना है। डालते देखिए बहुत सारे ये होता है कि ब्राउज़र में खुलने के लिए होता है, XML कोड है, ये कोडिंग है, तो इससे हमें खास मतलब नहीं है। लेकिन आपका जो डाउनलोड ePen है वो हो गया है और आपका जो मेल पर भी भेज दिया जाएगा पैन कार्ड, ठीक है। तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। देखिए आपने बहुत ही आसानी से सीख लिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए मैं आपको दूसरी वेबसाइट के बारे में बता दे रहा हूँ जो कि दूसरे यूज़र हैं हमारे, जो कि हमारी ईफिल जो आपकी जो इनकम टैक्स की ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ से भी करते हैं सबसे पहले इस। चलिए एक बार मैं इसका आपको PDF डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, रिसिप्ट का इसको भी कर लीजिए आगे काम आएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको लेके चलूँगा उस पर। देखिए क्लिक करते हैं यहाँ से, ये भी डाउनलोड हो जाएगा, इसको भी आप सेव कर सकते हो या प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब दूसरी वेबसाइट पर चलते हैं जल्दी से, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जी हमारी ये दूसरी वेबसाइट अभी यहाँ पर हम ओपन करेंगे, तो इसको पहले मैं हटा देता हूँ। और हाँ एक चीज़ इसमें देखिए, आप दोबारा डाउनलोड करेंगे ना तो ये नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप एक बार में ही डाउनलोड कर लें। जैसे कि देखिए इसको कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, लेकिन ये दोबारा में डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो एक बार में ही डाउनलोड या शेयरवेयर करके इसको रख लीजिएगा संभाल के, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत होगी, दोबारा पेमेंट करना पड़ जाएगा। इसलिए इसको फर्स्ट टाइम में ही अपने पैन कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए, बाकी तो मेल पर आई जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरी वेबसाइट पर आ जाते हैं जो कि हमारी है ईफिल करके, जो होती है इनकम टैक्स की ओरिजिनल वेबसाइट है ये। तो जिसने भी इससे बना रखा है उसके लिए क्या करना, देखिए यहाँ पर आपको न्यू जनरेट करने के लिए आ रहा है और यहाँ पर आपको डाउनलोड चेक स्टेटस और पैन कार्ड के लिए आ रहा है। तो हमें सिंपल इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना होगा। आधार नंबर दे दीजिए, एकदम फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। जिसने भी ईफिल वाले यानी कि जो इनकम टैक्स के ओरिजिनल पोर्टल से बनवाई है उसको कोई चार्ज नहीं देना होगा। तो आधार नंबर डाल के कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आपके पास OTP जाएगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, जो भी आधार से रजिस्टर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। डालने के बाद में दोस्तों आपके सामने आपको ePen डाउनलोड करने का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। देखिए एक ऑप्शन आ रहा है आपको व्यू ePen, देख सकते हैं आप यहाँ पर।
पहला ऑप्शन है व्यू ईपेन, दूसरा है आपका डाउनलोड। तो यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड ईपेन पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो ईपेन, यानी कि जो आपका पैन कार्ड है। ठीक है, तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सब जगह फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलते इस वीडियो में, लेकिन नई वीडियो के साथ में, तब तक दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।